हेलो दोस्तों, मैं आपका वंडरिंग गवारा अपने नए व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आ रहा हूं एक बहुत ही प्यारे महादेव जी के मंदिर में। और अभी मौसम बहुत धूप है, यहां पे बहुत तेज़ धूप है। ये देख सकते हो आप लोग, ये रहा अपना शिमला हाईवे और यहां पे लगी है अपनी बाइक। मैं हूं आज सोलो राइड पे, तो बने रहे मेरे व्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही प्यारा महादेव का मंदिर जो कि हिमाचल में है। और अभी मैं निकला हूँ चंडीगढ़ से, तो चलो चल दोस्तों। यहाँ से शुरू होती है अपनी हिमाचल की बाउंड्री शुरू। हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है देवभूमि में। तो हम दिखाते हैं आपको हमारा का व्यू और देखो गाइस मौसम कैसा हो रखा है, बिल्कुल अंधेरा। और यहाँ पे भी पहले बहुत जोर की बारिश हुई है और आगे भी मौसम देखो खराब लग रहा है। फिर भी हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे आज बहुत ही प्यारा टेम्पल महादेव जी का। तो यहाँ पे लगी है बहुत जोर की बारिश और जिस वजह से मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ा। देखो यहाँ का मौसम कितनी धुंध और बारिश हो चुकी है शुरू और मैं भीग भी चुका हूँ कंडीशन। तो थोड़ी देर यहाँ पे वेट करते हैं फिर चलते हैं आगे। बाकी ये चेक करो भाई कितनी धुंध पड़ी है यहाँ पे। देखो भाई और भी ज़्यादा मौसम बिगड़ रहा है और बिजली भी कड़क रही है अब तो। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वजह से मेरे को फ़ोन भी निकालना पड़ा है। देखो अब देखते हैं आगे का क्या होता है क्या नहीं। तो मैं रुका था अभी यहाँ पे अंकल की शॉप पे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो गई है कि आगे जा नहीं पाएंगे। और अब ये देखो पानी देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे अपनी बाइक लगी है लेकिन अंकल से पन्नी ली है हमने और अब निकलते हैं आगे क्योंकि भीग तो वैसे भी चुके हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो दोस्तों कंटिन्यू अपना सफ़र करने के बाद मैं रुका हूँ यहाँ पे थोड़ी देर और पूरा भीग चुका हूँ। काफ़ी ठंड लगी है मेरे को इस वक्त और यहाँ का मौसम देखो बिल्कुल धुंध जमी हुई है। और अभी टाइम हो रहा है बजे हैं 5 बजे का टाइम हो रहा है अभी। और मैं भीग चुका हूँ ऊपर से नीचे तक पूरा। ये रही अपनी बाइक, मैं काफ़ी काम पर हूँ ठंड से। और अभी मेरे को बचा है 8 या 10 किलोमीटर के आसपास। और पीछे मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मेरे को पहुँचना था टाइमली कैसे भी। तो अब यहाँ पर थोड़ी बारिश बंद हुई है, मौसम थोड़ा कोहरा पड़ा हुआ है और इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ। अपनी लाइट ड्यूटी इंडिकेटर चला के चला था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी। और ये भाई लोग मेरे को मिले थे रास्ते में, ये लोग भी जा रहे हैं आज मेरे साथ। तो ये भाई लोग भी काफ़ी ज़्यादा पीछे से आए मेरे साथ और चंडीगढ़ से आए ये लोग भी, ये लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो बहुत काँप रहा हूँ ठंड के मारे। अभी हमें थोड़ा सा ही बचा है तो थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करते हैं ताकि ठंड हमारी कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद सीधा दिखाएंगे आपको महादेव जी का मंदिर। ये देखो जंगल। थोड़ी देर रुकने के बाद अब मैं निकल रहा हूँ आगे अपने सफ़र में। चलो चलते हैं यार महादेव, थोड़ा दिखाते हैं आपको यहाँ का वेदर।
चलो चलो भाई चलो। पहली बार इतना कांपा मैं ठंड के मारे लाइफ में, पहली बार। आज सोचा नहीं था इतनी बारिश होगी और इतना गिर जाऊंगा ठंड की वजह से। पहली बार कांपा मैं इतना। जल्दी से पहुंचते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको प्यारा सा मंदिर। बारिश की वजह से बीच में रुकना पड़ा काफ़ी जगह और थोड़ा आराम से भी चलना पड़ा थोड़ा बारिश की वजह से। अभी अच्छी लड़की नहीं होती है, आज फिर हवाई हुई रोक ले बारिश प्रभु। आगे देखो भाई कितनी धुंध पड़ी हुई है, देखो भाई ये चेक करो काफ़ी धुंध पड़ी है यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पीछे जाके रुका था, मैंने अंकल से पूछा तो अंकल बोल रहे हैं कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आपने बोला कपड़े भी डाले हैं तो ऊपर संभल के जाना, देखते हैं और आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है भुवनेश्वर महादेव मंदिर के लिए रास्ता, ये यहाँ पे गेट लगा हुआ और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर है मंदिर और ये मंदिर पड़ता है जिला सिरमौर में, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे लगाई है बाइक और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है अभी यहाँ पे, बारिश तो बंद हो चुकी है तो यहाँ पे नीचे का व्यू चेक करो गाइस, पूरी धुंध पड़ी हुई है और नीचे घर वगैरह भी है। ये देखो यहाँ पे लगी अपनी बाइक इधर, चलिए चलते हैं अब ऊपर महादेव के मंदिर। ओम नमः शिवाय, जय महादेव। तो मैं पहुंच चुका हूं ऊपर और अभी यहां पे की है मैंने बाइक पार्क और यहां से व्यू देखो नीचे का, ये देखो भाई यहां से नीचे का व्यू देखो। और अभी यहां पे मौसम भी ख़राब हो गया काफ़ी ज़्यादा और अभी यहां पे गाड़ी भी नहीं जा सकते और यहां पे देखो महादेव जी की प्यारी सी मूर्ति, तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं। अब आज आपकी आपको दिखाते हैं आगे को, अभी महादेव जी की मूर्ति बन रही है और मूर्ति का काम चला हुआ है, बाकी करते हैं अंदर दर्शन और दिखाते हैं आपको।
यहाँ का हमारे महादेव जी का प्यारा सा मंदिर। कितने प्यारा मौसम है। जय महादेव। अभी तो काफी ज्यादा टाइम भी हो गया है, अपनी मंदिर बंद तो नहीं हो गया, बाकी देखते हैं अब। काफी ज्यादा ठंड है भाई इधर, काफी ज्यादा। बाकी जिस दिन मौसम साफ होगा उस दिन फिर प्लान बनाएंगे यहाँ आने का। भाई मैं आ चुका हूँ अभी महादेव जी के दर्शन करके, और आपको दर्शन नहीं करा सका क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं नीचे आ गया हूँ अब। तो अब आपको यहाँ से बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं, और ये मैं आपको दिखाता हूँ इधर से बाहर का व्यू। और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके मेरे को। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा यहाँ पे व्यू वगैरह देख के, और इस जगह को जरूर विजिट करें। ये देखो पीछे का व्यू, इसे सोचना ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। आके यहाँ से व्यू चेक करो भाई, यहाँ का व्यू, नीचे काफ़ी खाई है। और ये देखो दोस्तों, फाइनली मैंने दर्शन कर लिए हैं और अब आ चुका हूँ मैं नीचे। अब यहाँ पे धुंध काफ़ी पड़ रही है जिस वजह से मैं आपको ज़्यादा यहाँ का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। तो अब चलते हैं पार्किंग में, और यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ना शुरू हो गई है और टाइम भी 6 बज चुके हैं शाम के। तो अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी वापस चंडीगढ़ भी जाना है, और मैं थोड़ा लेट हो गया बारिश की वजह से, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से दिखाता। और यहाँ पे मंदिर के ऊपर मंदिर परिसर में जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं थी, जिस वजह से मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाया। क्योंकि आगे जो आप आज यहाँ तक मेरे साथ आए हैं, रास्ते में मेरे को मिले थे, कैसा लगा भाई आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा ना। तो नेक्स्ट टाइम आओगे इधर फिर से? ज़रूर आएंगे तो नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे धुंध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है जिस वजह से हम ज़्यादा यहाँ पे देख नहीं पा रहे हैं यहाँ का व्यू वगैरह। बाकी ये चेक करो आप नीचे, और नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे ज़रूर विजिट करेंगे और अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ का पूरा व्यू। और अभी चलते हैं वापस क्योंकि वापस चंडीगढ़ पहुँचना है, और अभी 6 बज गए हैं तो दोबारा बारिश ना आ जाए बोल के टाइम ले निकलते हैं यहाँ से। तो चले फिर चलते हैं भाई, क्या बोलते हो? चलते हैं। ये भाई लोग मेरे को मिले थे, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये मेरे को मिले थे रास्ते में, तो मैं एक जगह रुका था बारिश से बचने के लिए, वहाँ पे मेरे को ये भाई लोग वगैरह। तो आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, और आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय शंकर माता।